चंबा जिले में 7 दिन तक मनाया जाने वाला ऐतिहासिक मिंजर मेला कल रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ ही संपन्न हो गया। इससे पहले अखंड चंडी महल से एक शोभा यात्रा निकाली गई। इसकी अगुवाई चंबा के विधायक पवन नैयर ने की। शोभा यात्रा अखंड चंडी परिषद से शुरू हुई और बाजार से होते हुए रावी नदी के किनारे मंजरी गार्डन पहुंची, जहां पर कुंडली मल्हार गायन का आयोजन किया गया। इसके बाद पारंपरिक रस्मों के तहत पूजा अर्चना की गई। मिंजर को एक नारियल में बांधकर रावी नदी में विसर्जित किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के एहतियातन शोभा यात्रा के दौरान बाजार बंद रखा गया। इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही आदेश जारी कर दिए थे। आपको बता दें कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के अंतिम दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना के चलते मिंजर मेला बड़े ही सादे ढंग से मनाया गया। 7 दिन तक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हुआ, लेकिन लोगों को केवल टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से ही यह सांस्कृतिक संध्या देखने को मिले। इस मौके पर डीसी चंबा दुनीचंद राणा ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आखिरी दिन है और मिंजर विसर्जन के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन हुआ। जी जी, आज हमारा जो ऐतिहासिक मिंजर मेला है चंबा का, जो धार्मिक सांप्रदायिकता का भी एक जो है सौहार्द का एक प्रतीक है, उसका आज समापन समारोह है। मेला जो है उसके 31 तारीख को जो है शोभा यात्रा के रूप में झंडा रस्म जो है अदायगी की गई। उसके बाद जो चौगान में कला मंच में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनका आयोजन किया गया, बट वो भी एक सांकेतिक रूप में थे। सारे हमने केबल के माध्यम से और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म थे उनके माध्यम से लोगों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम पहुँचाए गए, और आज मिंजर विसर्जन के साथ ही कार्यक्रम का अंत होगा। और कोविड के परिस्थितियों करके मिंजर का काफ़ी सीमित रूप से और लिमिटेड स्वरूप में उसका आयोजन किया गया। मेरी सभी चंबा वासियों को मिंजर की बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगले वर्ष जब मिंजर का दोबारा से आयोजन होगा, कोविड की स्थितियां बेहतर होंगी और लोग इसको अपने पुराने स्वरूप में अच्छी तरह से मना सकेंगे और इसका आनंद लेंगे। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक मिंजर मेले का जो है आज ये क्लोजिंग सेरेमनी होगी है इसकी। आज जैसे आप लोगों को पता है कि सावन के हर एक दूसरे रविवार को इसका आगाज़ होता है, जो कि 25 तारीख को मिंजर मेले का शुभारम्भ हुआ था और आज 2 तारीख को है इसका समापन होगा। पहले तो हमारी तो बड़ी तमन्ना थी कि इस बार मिंजर मेला हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, परंतु कोरोना महामारी की वजह से 2 साल जो है हम इसकी औपचारिकता ही पूरी करते रहे, और इस बार भी क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से इसकी औपचारिकता ही हमने पूरी की है। और चंबा के लोग तो बड़े बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं, पूरा साल के कब मिंजर का मेला आएगा, क्योंकि इसमें बाहर से व्यापारी भी आते हैं और रात को यहाँ कल्चर प्रोग्राम भी होता है। बाहर जो बॉम्बे वगैरह से कलाकार वो भी यहाँ पर आके प्रोग्राम देते हैं, तो 2 साल से हमने इसको कर पा रहे हैं। और लोग ये कहते हैं कि व्यापारी भी आते हैं बाहर से, उनको सामान भी सस्ता मिलता है, परंतु कोरोना महामारी की वजह से इस बार भी जो है ये मिंजर का मेला सिर्फ औपचारिकता ही हमने पूरी की है। इसके लिए मैं वहाँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार हम इसको पूरा धूमधाम से इसको मनाएंगे। आपने देखना कि कैसे मिंजर का मेला, जितने भी आपने मिंजर का मेला देखे सब भूल जाएंगे आप, अगर एक बार चांस मिला हमको हम बताएंगे कि मिंजर का मेला कैसे होता है। तो मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार जो है हम इस जो कोरोना महामारी से निजात पाएंगे। और अगली बार लाइव टाइम्स टीवी के लिए चंबा से सलीम खान की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।